तो चले हम आप देख लेते हैं, जो छोटा वाला डब्बे में था उसको हम, मेरा जो जितना ज़रूरत था उतना हम ले लिया है हमने। तो इसका हमने बताया था आपको 35 ml, और इसका बड़ा वाला जो है 60 ml। तो मेरा जितना लगता है, अगर उसके ज़रूरत से हम, अगर इसको बड़ा वाला का अगर 120 केमिकल है बड़ा वाला का लिया, तो इसका लगेगा 35 × 2। उस इसका मतलब इसका लगेगा 70। तो इसका 70 ले लिया और इसका ले लिया 120, क्योंकि मेरा जितना ज़रूरत है उतना ही लिया। क्योंकि इसका जो केमिकल मिक्स करने का तरीका है, वो 35 छोटा वाला का और बड़ा वाला का जो है वो 60। उसको आप जैसे आप जितना ज़रूरत है आपका आप ले सकते हो। तो अब हम इसको दोनों को एक कटरी में डालेंगे। देखिए हम डाल रहे हैं, छोटा वाला डब्बा का हमने डाल दिया। अब उसको बड़ा वाला का भी उसमें डाल देंगे। अब हम उसको मिक्स करेंगे 2-4 मिनट, अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों केमिकल को। अब दोनों मिक्स हो गया, अच्छे करके हमने मिक्स कर लिया है। और इसको कटोरी में ज़्यादातर नहीं रहना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा 20 मिनट या थोड़ी देर बाद इसको रख देंगे तो ये तुरंत हार्ड हो जाएगा, इसीलिए उसको मिक्स करके आप, मिक्स करने के बाद उसको हम बक्कल के ऊपर डालेंगे। तो उसको डालने के लिए एक थोड़ा मैंने एक कटोरी ले लिया है, अगर इसमें ज़्यादा देर से आप रख देंगे तो आपका केमिकल सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप बक्कल के ऊपर पेस्ट करेंगे और डाल देंगे। तो देखिए हम कैसे डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसको डालेंगे। तो ऐसे ही करके आप जितना जो है बक्कल उसमें आप डाल लेंगे। जितना बक्कल है हम डाल लेंगे। हमारा जो केमिकल था हमने उसको उसके ऊपर बक्कल के ऊपर डाल दिया है। अब जो बक्कल है उसको बीचों बीच एक
सेम बीचों बीच रहना होगा। अगर इधर उधर आप करेंगे तो केमिकल गिर जाएगा, तो इसीलिए मैंने एक स्टील का पाइप लेके उसके बीचों बीच में रखा है, क्योंकि केमिकल जो है ना, अगर इधर इधर थोड़ा भी इधर उधर होगा तो केमिकल गिर सकता है। तो केमिकल जो है मैंने सारे बक्कल में डाल दिया है, तो अब इसको हम हाथ से हैंड से, जो मेरा हाथ है ना, वो हाथी हाथ से ही काम करेंगे। उसको ऐसा करके थोड़ा थोड़ा बीचों बीच में, अगर इसको आप 10-20 मिनट रख देंगे तो और भी बेटर होगा, क्योंकि जो केमिकल है थोड़ा हार्ड होगा, तो हार्ड होने से क्या होगा, आपका जो केमिकल है वो थोड़ा अच्छा से बीचों बीच में चिपक जाता। ऐसे बीचों बीच आप ऐसे करके हाथ से ही पूरा कंप्लीट आप बीचों बीच हम हाथ से ही देखिए, ये मैंने हाथ से ही बीचों बीच कर दिया। पूरा जो जितना भी साइड था हमने अच्छे से हाथ से ही कर दिया, और ऐसे ही आपको करना है, ऐसे ही करके आपको छोड़ देना है। और ऐसे करके आप छोड़ देंगे तो ये सूख जाएगा। और हमने जो हाथली में जो हाथ से ही किया है, तो ये हाथ को क्लीन करने के लिए हमने ये जो थीनर है ना, थीनर से हम हाथ को वॉश कर लेते हैं, और हाथ में जो केमिकल लगता है उसको हम थीनर से ही क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये प्रोसेस है। तो चलो, हम आपको बता दिया।